अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंजाइम सिंथेसिस बाय फर्मेंटेशन मेथड। हमें ये तो पता है कि एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन, लेकिन एंजाइम की सिंथेसिस कैसे होती है फर्मेंटेशन के थ्रू, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स लोअर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू अकर। सो क्या करते हैं, ये लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंजाइम्स को यूज करती है इन द जनरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज चीज, एल्कोहल एंड ब्रेड। फर्मेंटेशन। एंजाइम्स हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर टू प्रोड्यूस फूड एंड बेवरेजेस सच एज चीज, योगर्ट, बियर एंड वाइन। Yeast is a fungus whose enzymes aid in the breakdown of glucose into ethanol and carbon dioxide. So enzymes fermentation में involve होते हैं। Yeast is a fungus और इसका enzyme जो है it is involved in the fermentation। क्या करता है वो? Glucose को break down कर देता है, ethanol और carbon dioxide gas release होती है। The enzymes in the yeast break down sugar, glucose into ethanol and carbon dioxide gas. तो ये रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोस, यहाँ पे आप देखें ग्लूकोस एंजाइम, ये जो है यीस्ट का एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है ग्लूकोस के ऊपर और वो कन्वर्ट हो गया है एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है C6H12O6 जो कि एक्वस फॉर्म में है और वो कन्वर्ट हो गया एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन। मेथड ऑफ फर्मेंटेशन, हमने ये पढ़ना है कि एंजाइम की फर्मेंटेशन के थ्रू सिंथेसिस कैसे होती है। हम इस लेक्चर में एंजाइम की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। फर्स्ट वन इज सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, एंजाइम्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है लिक्विड ब्रॉथ में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब ग्रोथ होती है लिक्विड ब्रॉथ में, सो ये यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और ब्रेक डाउन कर देते हैं इन ब्रॉथ की, और फाइनली जो एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। सबमर्ज फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं दे कैन बी बैक्टीरिया एंड फंजाई, और लिक्विड ब्रॉथ जो यूज़ हो सकता है वो है फ्रूट जूसेस, शुगर एंड वेजिटेबल जूसेस। लिक्विड ब्रॉथ हमें ऐसा लेना है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करें और इजीली ब्रेक डाउन भी हो सके उसकी। सो इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिक्विड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, ये एंजाइम्स को इंडस्ट्रियल एंजाइम्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। दिस इन्वॉल्व ग्रोइंग केयरफुली सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग रिच ब्रॉथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी हाई होनी चाहिए। As the microorganisms break down the nutrients, they release the desired enzyme into solution. So, जैसे ही nutrients की breakdown होती है, finally हमें product मिल जाता है। This is the diagram of submerged fermentation. इसमें first of all क्या हो रहा है? Media preparation, media sterilization और media की entry हो गई। Inoculum preparation और inoculum की entry हो गई। Rotor की जब rotation होगी, once the rotation of rotor is done, the product will be formed immediately. Waste treatment and disposal, biocontrol process. This is the overall diagram of submerged fermentation. Second, जो fermentation है जो involved है enzyme के synthesis में, वो है solid state fermentation. और इस fermentation में क्या होता है? Solid substrate use होता है. जैसे कि अभी हमने submerged fermentation में पढ़ा कि उसमें liquid use होता है, इसमें solid substrate use होता है. So it is opposite to submerged fermentation. It is another method used for the production of enzyme. Solid state fermentation involves the cultivation of microorganisms on the solid substrate such as grains, rice, wheat bran. This method is alternative to the production of enzyme in liquid by submerged fermentation. So, ye alternative hai submerged fermentation ke. Factors influencing solid state fermentation: selection of microorganism, substrate, process optimization. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई। सबस्ट्रेट कैसे इंपॉर्टेंट रोल करता है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स।
thereby increasing the product yield. Substrate कौन कौन से use हो सकते हैं? Wheat bran, rice bran, sugar beet pulp, wheat, corn flour. Process optimization includes the optimization of physicochemical and biochemical parameters, relative humidity, temperature of incubation, age and size of inoculum, extraction of product and its purification. Enzyme कौन कौन से produce होते हैं? Proteases, pectinases, glucomylase, cellulase. ये सारा जो मैंने मटेरियल लिया है वो मैंने इस आर्टिकल से लिया है. ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, एंजाइम सिंथेसिस बाय फर्मेंटेशन मेथड. बेसिकली गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.